बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राहगीर आया। उसने गांव वालों से खासकर एक बच्चे से संवाद करने का इरादा किया। एक आदित्य नाम का बच्चा था जो हमेशा मुस्कान में रहता था। राहगीर ने आदित्य से पूछा, तुम्हारी मुस्कान का राज क्या है? आदित्य हंसते हुए बोला, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि सबको स्नेह और समझदारी से मिलना चाहिए। राहगीर ने आदित्य के जवाब को सुनकर कहा, वाह, तुम्हारे पापा ने सही सिखाया है। क्या तुम मुझे एक कहानी सुना सकते हो जिसमें स्नेह और समझदारी का सबक हो? आदित्य ने मुस्कान के साथ कहानी सुनाना शुरू की। एक समय की बात है, गांव में दो बहनें रहती थी, गौरी और नीलम। वे बहुत संवेदनशील और सच्ची दोस्त थी। इस प्रकार से एनिमेशन वीडियो AI से कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आज हम इसी का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं उमेश एम सपोर्ट यूट्यूब चैनल। AI के मदद से एक कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करके काफी सारा इनकम कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमने अपना यहाँ पर क्रोम ब्राउजर जो है ओपन कर लिया है। और क्रोम ब्राउजर में हम यहाँ पर सबसे पहले जो है अपना एक मोरल स्टोरी बनाएंगे। तो मोरल स्टोरी बनाने के लिए आप लोगों को चले जाना है यहाँ पर ChatGPT पे। तो ChatGPT पहले आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है और ChatGPT पे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर पहली साइट दिख रही है ChatGPT की, वहाँ पर आपको चले आना है। और उसके बाद जो है आपको इसको ओपन कर लेना है और इस पर ओपन करने के बाद आपको साइन अप कर लेना है। अपने जो भी ईमेल आईडी आपके पास हो उस पर उससे इस पर आपको साइन अप कर लेना है। हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है अपने एक ईमेल आईडी से। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है कहानी बनाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। वो प्रॉम्प्ट आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ये है ChatGPT, ये सारी भाषा को सपोर्ट करता है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, जितनी भी भाषाएं हैं ये सारे भाषा को सपोर्ट करता है। आप किस भाषा में करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने लिखा हुआ है 400 शब्दों में एक हिंदी मोरल स्टोरी लिखो जिसमें हर मिनट पर सस्पेंस आए और स्टोरी का एक एट्रैक्टिव नेम हो और जो है राइट टाइम पर पॉज हो, ये सब अच्छे से ऐड करो। तो ये सारा कुछ हमने लिख दिया है, वो भी इंग्लिश में टाइप किया है लेकिन है वो हिंदी का ही, जैसे हम लोग मैसेज वगैरह करते हैं सेम उसी प्रकार का है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो है आपको एक नई स्टोरी लिख कर दे देगा, एकदम फ्रेश स्टोरी जिसका कॉपीराइट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बिल्कुल नई स्टोरी लिख कर आपको देगा। तो इस प्रकार से आप लोग ChatGPT से अपने मन मुताबिक कोई भी स्टोरी लिखवा सकते हैं जो आपको पसंद आए। अगर आपको एक कहानी पसंद नहीं आती है तो आप लोग दूसरी कोई स्टोरी यहाँ पर क्रिएट इससे करवा सकते हैं। आप इसका प्रॉम्प्ट चेंज कर दीजिए, उसके हिसाब से आपको ये कहानी बनाकर कुछ ही मिनटों में दे देगा। ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है। तो फाइनली हमने जो है यहाँ पर अपना एक स्टोरी तैयार कर लिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल बेकार लगती है, तो आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि ये स्टोरी हमें अच्छी नहीं लगी, हमें यहाँ पर कोई दूसरी स्टोरी चाहिए। तो आप लोग वहाँ पर लिखकर और इसको जो है यहाँ पर अपना स्टोरी तैयार कर सकते हैं। एक नई स्टोरी आपको ये लिख के थोड़ी ही देर में एक नई स्टोरी आप लोगों को लिख कर ये दे देगा। तो स्टोरी आपके पास हो जाए उसके बाद एक दूसरा जो काम आता है दोस्तों वो आता है वॉइस जनरेशन का। तो वॉइस जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर naraki.com का प्रयोग करेंगे। नया टैब ओपन कर लिया है और हम यहाँ पर चले जाएंगे naraki.com पर। तो इसको क्लिक करते ही आपके सामने naraki.com का पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्रिएट ऑडियो पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर टूल पर क्रिएट करके और टेक्स्ट ऑडियो पर यहाँ क्रिएट ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको साइन अप करना है अपने ईमेल आईडी से। उसके बाद अपना जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेना है, आपको किस लैंग्वेज में कहानी बनानी है। तो फिलहाल हमको जो है हिंदी में बनानी है तो हम अपना जो है हिंदी भाषा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद आप यहाँ पर कैरेक्टर का भी अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नदी के बाएं किनारे पर स्थित से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ऐसे ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कैसा बोलता है। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं जो आवाज आपको अच्छी लगे उस में आपको अपना जो है वो
यहाँ पर क्रिएट कर लेना है अपना आवाज़। तो आवाज़ क्रिएट करने के लिए नीचे दी गई ये स्क्रिप्ट वाले जगह पर आपको अपना स्क्रिप्ट वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। और जो भी अगर इसमें आप लोगों को कोई शब्दों का मिस्टेक लग रहा हो तो उसको यहाँ पर आप लोग हटा कर, जैसे हमारा यहाँ पर इशारा गलत था तो उस हिसाब से हमसे यहाँ उसको डिलीट करके हमने इशारा इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑडियो ठीक उसी प्रकार से क्रिएट करके दे देगा जैसा कि हमें चाहिए। तो आप एक एक करके ऐसे अपना जो है वॉइस जनरेट करवा कर और यहाँ पर चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राहगीर आया। उसने गांव वालों से खासकर एक बच्चे से संवाद करने का इशारा किया। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग जो है अपना वॉइस जनरेट करवा सकते हैं और वॉइस जनरेट करने के बाद यहाँ पर अपना डाउनलोड करते जाएं और उसका नेम जो है वहाँ पर चेंज करते जाएं जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, ताकि आपको एडिटिंग करते समय इसका जो है दिक्कत ना आए। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों को अपना जो है वॉइस यहाँ पर जनरेट करवा लेना है, पूरा जनरेट करवा लेना है जैसा कि हमने हर बार अपना जनरेट करा कर और चेक किया है। तो ये हमारा जो है वॉइस पूरी तरह से जनरेट हो चुका है हमारा। तो वॉइस जनरेट करने के बाद तीसरा जो काम आता है दोस्तों वो आता है यहाँ पर आपको अब अपना जो है वीडियो क्रिएट करने का। तो एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए आपको चले जाना है यहाँ पर एडोबी एक्सप्रेस पर चले जाना है। ये जो एडोबी एक्सप्रेस है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अपने दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको चले जाना है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है और आप खुद को यहाँ पर जो है साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद ऐसा एक पेज आपके सामने आ जाएगा और एनिमेट फ्रॉम ऑडियो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका साइज़ ले लेना है, आपको किस साइज़ में काम करना है उस साइज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसा हमें YouTube पे करना है तो हम YouTube का साइज़ ले लेते हैं और YouTube का साइज़ जो है होता है फुल लेंथ का वीडियो जो बनता है वो 16:9 में रहता है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है अपना बैकग्राउंड चूज़ करना है कि आप किस बैकग्राउंड पर जो है अपना वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो है सीन एक गाँव का है तो हम यहाँ पर एक गाँव वाला जो है सीन देखेंगे, अगर हमको मिलता है तो हम वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको ये सारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता है तो आप जो है यहाँ पर अपने जो आपको यहाँ पर पसंद हो आप अपने हिसाब का कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें जो है यहाँ पर गांव वाला हम देख रहे हैं, फ़िलहाल कोई ठीक ठाक है नहीं, लेकिन हम कोई भी यहाँ से एक चेक करवाने के लिए ले रहे हैं। तो हमने ये वाला जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम जो है अपना कैरेक्टर यहाँ से चेंज करेंगे, तो कैरेक्टर चेंज करने के लिए कैरेक्टर पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर चूज़ कर लेना है कि आप कैसा कैरेक्टर रखना चाहते हैं अपने कहानी का, यानी आपकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है वो चेक कर लीजिए। उसके बाद अपना जो कहानी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल बहुत समय पहले की बात है ऐसा करके हमारा एक था, तो हम इसको एक लड़की से बुलवाएंगे तो हम यहाँ पर किसी एक लड़की का जो कैरेक्टर है वो चूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई अगर एक लड़की का जो कैरेक्टर होगा तो हम उसको यहाँ से ले लेंगे। तो हम चले जाते हैं नीचे और देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक अच्छी का लड़की का अगर कैरेक्टर हमको मिलता है तो हम यहाँ पर ले लेंगे। और फाइनली हमें एक लड़की का कैरेक्टर यहाँ पर मिल चुका है, इसको हम रिसाइज करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम अपना यहाँ पर वॉइस को ऐड करवाएंगे और इसको एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है अब रिकॉर्ड पर करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो आप यहाँ पर ब्राउज़ करके अपना ऑडियो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ब्राउज़ किया हुआ है तो हमने डाउनलोड पर रखा हुआ है उसको डाउनलोड करके, तो हम यहाँ से उसका ऑडियो सेलेक्ट करेंगे ओपन करेंगे। तो ये आपके इंटरनेट पर जो है डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है, उसी के हिसाब से आपको ये यहाँ पर जनरेट करके इसका जो है एनिमेशन करके ये आपको दे देगा। तो फाइनली हम इसको जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि ये जो है आसानी रहे आपको वीडियो को देखने में, छोटा वीडियो बने, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है, हम यहाँ से अब इसको चेक करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राहगीर आया। उसने गांव वालों से खासकर एक बच्चे से संवाद करने का इरादा किया। तो है ना कमाल की वॉइस इसकी, और देखा होगा दोस्तों आपने ये जो इसका लिपसिंग है बिल्कुल वॉइस से मैच करता है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी वॉइस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग चाहें तो अपने मन मर्जी के हिसाब से कैरेक्टर और बैकग्राउंड ये सब चूज करके और अच्छे से एक एनिमेशन वीडियो के लिए आप लोग डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम अब ऐसे ऐसे करके अपने जितने भी कैरेक्टर हैं उनको यहाँ पर देखते हुए और इसका जो है
ये है जो हमारा राहगीर है, राहगीर के ऊपर हमारी कहानी। तो हम ये एक पहले राहगीर को लेंगे और ऐसे ऐसे करके उसके बाद हमारा एक बच्चा है जो बोलता है, इसमें एक बच्चा है तो आदित्य नाम का, तो उस बच्चे को भी बुलवाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम जो है पूरा इसका एनिमेशन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाली बात बचती है वो है वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग दोस्तों आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। हम जो है आपको कोई सजेस्ट नहीं करते हैं, आप बीएन से भी कर सकते हैं, आप जो है फिल्मोरा से कर सकते हैं या आप काइनमास्टर से कर सकते हैं। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग का उपलब्ध हो उसे आप कर सकते हैं, या फिर आप कैनवा वगैरह से ऑनलाइन भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है एडिटिंग का वीडियो भी इसमें ऐड करके आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल हम जो है एडिटिंग करेंगे अपने मोबाइल से काइनमास्टर से, तो हम जो है उसका जो है एडिटिंग आप लोगों को बता देंगे, इसमें लगाएंगे। तो फिलहाल आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप लोग हमारा सपोर्ट करें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।